एक बार फिर से आपका सभी का CICM क्लासेस में स्वागत है। मैं अमन सिंह, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एक्सरसाइज नंबर 5.3। तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। हम सॉल्व करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। करना क्या है, हमें डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ पर मेरे को दो फंक्शन में रिप्लाई नहीं, एक्स और वाई कैसे मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, यू इंटू वी का। यू इंटू वी क्या कहता है, यू ऐसे कैसे वी का डिफरेंशिएट प्लस वी ऐसे कैसे यू का डिफरेंशिएट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पावर आगे एक पावर कम डी वाई वाई, टेन एक्स का हो गया sec स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स। सभी dy by dx के टर्म में एक तरफ ले रहा हूँ, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा प्लस के टू वाई, ये सिंगल पावर, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के dy by dx, और dy by dx को मैं निकाल लेता हूँ। इधर कॉन्स्टेंट में बिना dy by dx के बस गया sec square x, और ये y उधर का जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा dy by dx equals to sec square x minus के y अपॉन में एक्स प्लस टू वाई माइनस का वन। ये हमारा क्या है आंसर, फॉर्मूला क्या लगा है, यहाँ पे टेन एक्स का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर एक्स, और बाकी फॉर्मूले पहले पढ़े ही। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे सबसे पहले पावर का 2x x x के रिस्पेक्ट में हुआ, आगे चलते हैं। आगे मेरे को दो फंक्शन मल्टीपल में दिख रहे हैं, u इंटू वी, एक्स ऐसे कैसे y का dy by dx प्लस y ऐसे कैसे x का हो गया 1। फिर और आगे चलते हैं तो प्लस y स्क्वायर में पहले पावर का होगा फिर y का होगा dy by dx। सो एक कांस्टेंट है बिना xy बिना वेरिएबल के, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मेरे को दो dy by dx दिख रहे हैं, तो मैं निकाल लूँगा, ये बच जाएगा x प्लस के 2y, और ये दोनों उधर जाएंगे तो दोनों जाएंगे माइनस के, माइनस को मान लेने पर वाई प्लस टू एक्स आ जाएगा। ऐसे वाई गया माइनस का होगा, टू एक्स गया माइनस का होगा, दोनों के पास माइनस है बाहर, यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई प्लस टू एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस के टू वाई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 सॉल्व कर रहे हैं हम, बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 6 है एक्स की क्यूब, मैं लिख देता हूँ एक्स की क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स टू 81। कुछ नहीं करना, करना वही है जो अब तक करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ एक्स क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगेगा, पहले पावर आगे एक पावर कम, और एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस, यहाँ पे मेरे को दो दिख रहे हैं और वो भी कैसे है मल्टीप्लाई में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो किसका फॉर्मूला लगता है, यू इंटू वी का। तो यू ऐसे कैसे वी मतलब वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी ऐसे कैसे यू में पहले पावर का होगा और फिर एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में। सेम ऐसे इसमें करना है, दो फंक्शन है एक्स ऐसे कैसे, यहाँ पे टू वाई वाई का डी वाई वाई स्क्वायर था इसलिए पहले पावर का फुल पावर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया 1। आगे चलते हैं, वाई की क्यूब का हो गया 3y² और वाई का डी वाई वाई कैंसिल, पहले पावर का 3y² हो गया एक पावर का, फिर फंक्शन वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 81 का क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, और यहाँ मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया कॉमन, यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर, वहाँ से आ रहा है 2xy, लास्ट टर्म से आ रहा है 3y², ये हो गया ब्रैकेट 1, 2 और ये 3, ये जाएंगे उधर, इन्हें माइनस के होंगे इसलिए माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy और प्लस का
यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, यही गड़बड़ होगी, थ्री एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई और प्लस का टू एक्स, और इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाएगा सो। याद रखना है करना सिर्फ इतना सा है, डिफ्रेंशिएट करना है जो जाए, और लास्ट में जाके डी वाई बाई डी एक्स को मनी है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।